नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच में होने वाले आईपीएल के इस मैच के बारे में। सबसे पहली बात दोस्तों, ये वाला जो मैच है ये ट्रिकी हो सकता है, ठीक है। तो आपको इस मैच में भूल के भी तुक्के में टीम नहीं बना लेनी है, नहीं तो आप अपना नुकसान करवा बैठोगे। सीधी सी बात है, 90% जनता दोस्तों यही काम करती है कि तुक्के में टीम बनाती है फिर अपना नुकसान करवाती है, फिर तुक्के में टीम बनाएगी फिर अपना नुकसान करवाएगी, ठीक है। तो अपने को यार उन 90% लोगों में शामिल नहीं होना है, अपने को बचे हुए 10% लोगों में रहना है ना। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से टीम बनानी है और प्रॉफिट कमाना है, अपने को प्रॉफिट से मतलब है, ठीक है। दोस्तों आपको इस मैच में प्रॉफिट कमाने के लिए जिस भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यार इस वीडियो को आपको ध्यान से पूरा देख लेना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। आगे इस वीडियो में दोस्तों आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में बताऊंगा, बहुत सारे रिकॉर्ड्स में आपको बताऊंगा, बीच बीच में मैं अपनी प्रेडिक्शंस दूंगा। और दोस्तों मेरी बात याद रखना, एट द एंड ऑफ द डे ये जो भी प्रेडिक्शंस मैं आपको दूंगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, यही आपको इस मैच में जितवाने में हेल्प करेगी, यही आपको एक नंबर टीम बनाने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो जल्दबाजी मत करना, एक बार वापस बोल रहा हूं, वीडियो को आपको ध्यान से पूरा देखना है। और दोस्तों एक बात और सुनो कि यार आगे इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो बता दूंगा इस मैच से रिलेटेड, दोस्तों एक डेमो टीम भी मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना इस मैच की जो फाइनल टीम होगी वो आपको इस वीडियो में नहीं मिल सकती। और क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि वो अभी तक बनी नहीं है। आपको पता है अभी तक इस मैच का टॉस नहीं हुआ, और जब तक टॉस नहीं होता था तब तक अपने पास नई नई अपडेट आती रहती है। टॉस होने के बाद दोस्तों अपने पास फाइनल प्लेइंग 11 भी आती है, पिच रिपोर्ट भी आती है, ठीक है। तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी फाइनल टीम बनाते हैं। तो अपनी जो भी फाइनल टीम होगी दोस्तों इस मैच की, जिससे मैं खुद भी खेलूंगा एंड ऑफकोर्स अपनी पूरी फैंटेसी सपोर्ट की फैमिली भी खेलेगी, वो हमेशा की तरह टॉस के बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आप में से जिस भी भाई ने यार अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, देखो यार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो आपका सबसे ज्यादा जरूरी काम है, आपको जरूर से ज्वाइन करना है। और ज्वाइन कैसे करोगे, टेलीग्राम चैनल की दोस्तों ज्वाइनिंग लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक दो सेकंड के अंदर एकदम फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे, ठीक है। वहां पर दोस्तों हमारे साथ ऑलरेडी 190,000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हैं और रेगुलरली हमारी फाइनल टीम्स और अपडेट्स का एकदम फ्री में फायदा उठा के बहुत अच्छे विनिंग कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं जुड़े हो आपका मोस्ट वेलकम है और आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आपको जरूर से ज्वाइन हो जाना है। और दूसरी बात दोस्तों, आप में से जिस भी भाई ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई यार कहां पीछे रह रहे हो, क्योंकि हमारे साथ यूट्यूब पर तो 500,000 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप नहीं जुड़े हो तो भाई नीचे सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा होगा, फटाफट से दबा के बेल आइकन ऑन कर लेना। अभी तो दोस्तों बहुत सारा आईपीएल बाकी है और बहुत सारा प्रॉफिट हम कमाने वाले हैं, तो भाई लाखों लोगों ने हम पे भरोसा दिखाया, आप भी दिखाओ, इनका मैं प्रॉफिट करवा रहा हूं, आपका भी करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए यार आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। अब दोस्तों बात करते हैं इस मैच की, तो यार ये वाला जो मैच है आज इवनिंग में 7:30 PM पर खेला जाएगा। और ये वाला जो मैच है दोस्तों ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम जो कि लखनऊ का होम ग्राउंड है यहां पर खेला जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं जो ट्रिकी है वो क्यों हो सकता है, क्योंकि देखो इस पर्टिकुलर मैदान में दो तरीके के पिच है, ब्लैक सॉइल पिच भी है, रेड सॉइल पिच भी है। आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता रखा है कि ब्लैक सॉइल पिच अलग बिहेव करता है, रेड सॉइल पिच अलग बिहेव करता है। ये वाला जो मैच है इसके लिए रेड सॉइल पिच प्रिपेयर की जा रही है, पिच नंबर 3 इस वाले मैच में यूज होगी, ध्यान रखना। और इसका बिहेवियर जहां तक मेरे को लगता है नॉर्मल हाई स्कोरिंग मैच वाला रहेगा, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्मेशन आने का वेट करना, टॉस के टाइम आएगी, फाइनल पिच रिपोर्ट मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। ध्यान रखना इस मैच की जो पिच रिपोर्ट है वो इस मैच पे काफी ज्यादा असर डालने वाली है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं इस मैदान की जनरल रिपोर्ट के बारे में, तो यार यहां पर स्पिनर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट देखने को मिलता है, 65% ऑफ द विकेट स्पिनर्स निकालते हैं, लेकिन वही बात है यार अगर रेड सॉइल पिच रही, फ्रेश पिच रही, तो फिर स्पिनर्स नहीं फास्ट बॉलर्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट देखने को मिल सकता है, इसलिए बोल रहा हूं फाइनल पिच रिपोर्ट का वेट करना। बाकी दोस्तों ये तो बात हो गई है ऊपर ऊपर से, अब थोड़ा डिटेल में घुसते हैं, पिच के बारे में, वेन्यू के बारे में, मौसम के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखो यार आपको भी पता है अपने आज का ये दूसरा वीडियो है, एक वीडियो बनाने में मेरे को 6 घंटे लग जाते हैं, दूसरा वीडियो मतलब कि 12 घंटे मेहनत हो गई मेरी, है ना। तो भाई यार आप में से जिस भी भाई ने अब तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप लोगों के लिए ऐसे ही फ्री में टीम्स ला रहा हूँ, फ्री में वीडियोस ला रहा हूँ पिछले कई सालों से, ठीक है। तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, जिस भी भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो पर दोस्तों लाइक टारगेट एम करते हैं 10,000 लाइक्स का, ठीक है, तो वो आपको कंप्लीट करना है, जिसने भी नहीं किया लाइक करके आगे बढ़ना। खैर दोस्तों बात करते हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम के बारे में जो कि लखनऊ के अंदर है। मौसम दोस्तों एकदम क्लियर रहने वाला है, मौसम की वजह से इस मैच में 1% भी इंटरप्शन नहीं आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं देखो पिच के बारे में, तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि रेड सॉइल पिच इस पर्टिकुलर मैच के लिए प्रिपेयर की जा रही है। रेड सॉइल पिच का मतलब हो गया कि थोड़ा सा एक तरीके से बैट्समैन को सपोर्ट और थोड़ा सा जो फास्ट बॉलर है उनको सपोर्ट, ठीक है, सीधी सी बात है। और जो ब्लैक सॉइल पिच होती है वो थोड़ी सी स्लो पिच होती है, वहां पर रन स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन दोस्तों बात पता क्या है कि ये वाला जो मैदान है, एकाना स्टेडियम भी बोलते हैं इसको, दूसरा नाम है एकाना स्टेडियम, ठीक है, इस मैदान में जनरली स्लो नेचर की पिच रहती है,
है ना। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस पर्टिकुलर पिच की, तो देखो मैंने आपको यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वेन्यू जो है बेस्ट बैटिंग फ्रेंडली पिच प्रोवाइड नहीं करवाता है ना। ऐसा नहीं है कि 200 प्लस का स्कोर टांग दिया जाएगा, है ना। रेड सोइल पिच भी रहेगी तो 180-185 के समथिंग अपन स्कोर देख सकते हैं। बैट्समैन यहाँ पर दोस्तों स्कोर तभी कर सकता है जब वो अपना टाइम ले सेटल जोन में। अगर आते ही मारने की देखेगा तो फिर भाई ऐसा है कि अपना विकेट देके चला जाएगा, कोई सेंस नहीं निकलेगा। अगर जमने की कोशिश करेगा, थोड़ा स्लो खेलेगा, उसके बाद आके पोस्ट करने की कोशिश करेगा, तो फिर अच्छा स्कोर कर भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ बोलिंग, तो बोलिंग का मैंने आपको बता दिया कि स्पिनर्स और जो स्लो बॉलर्स हैं जो अपनी गति में वेरिएशन कर सकते हैं उनको यहाँ पर अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। उसके अलावा दोस्तों एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो ये 160 के समथिंग मैंने एक बार के लिए लिखा है, है ना। हो सकता है इसकी जगह 180 के समथिंग भी बन जाए, वो डिपेंड करेगा आज के पिच के ऊपर। मैं वापस बोल रहा हूँ पिच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। रेड सोइल पिच तो प्रिपेयर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी फाइनल पिच रिपोर्ट का वेट करना। हो सकता है ये 160 जो है 180 में कन्वर्ट हो जाए। और बाकी दोस्तों जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो यहाँ पर पहले बॉलिंग ही करना चाहेगी, क्योंकि वही यहाँ पर ट्रेंड रहा है। टॉस जीतो बॉलिंग करो वही ज्यादा सही रहता है। ड्यू वगैरह का दोस्तों ज्यादा यहाँ पर वो नहीं है सीन मेरे को नहीं लगता, लेकिन फिर भी टॉस जीतने के बाद बॉलिंग करना आई थिंक की टीम प्रीफर करेगी। बाकी ये तो जनरल पिच रिपोर्ट हो गई, फाइनल पिच रिपोर्ट टॉस के टाइम आएगी। मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, उसके टाइम पर आपको जरूर एक्टिव रहना है। ये तो दोस्तों आपको बताइए, ये तो है अपना इंपैक्ट प्ले रूल, जो कि कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट अब बचा नहीं है क्योंकि सबको पता लग गया, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों देखो माई इलेवन सर्कल एप्लीकेशन के बारे में। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि इस आईपीएल में आपको माला माल बना सकता है, क्योंकि बहुत लोगों को बना रहा है। कैसे बना रहा है दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने से किसी भी भाई ने माई इलेवन सर्कल अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो भाई इसको डाउनलोड करो। इसकी डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। उस लिंक से दोस्तों जैसे ही आप माई इलेवन सर्कल को डाउनलोड करोगे, सबसे पहला फायदा आपको मिलेगा 1500 रुपये का, मतलब कि 1500 रुपये डायरेक्ट आपके वॉलेट में आ जाएंगे। उस लिंक का फायदा है ये 1500 रुपये तक का साइनअप बोनस, और कोई भी एप्लीकेशन आपको नहीं देगा इतना हाई साइनअप बोनस, कोई देता ही नहीं है, ठीक है। माई इलेवन सर्कल दे रहा है इस आईपीएल के सीजन में, तो फायदा उठा लेना। दूसरी चीज दोस्तों, जब आप वहां पर अपना फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करोगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा। बस एक डिपॉजिट कोड आपको लगाना है, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वो कोड लगाना, 20% एक्स्ट्रा कैश भी आपके वॉलेट में आ जाएगा। मतलब मान लो आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए तो उसका 20% यानी कि 2,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। टोटल 12,000 रुपये आपके डिपॉजिट किए हुए दिखाएंगे, जबकि आपके कटेंगे ओनली 10,000 रुपये, ठीक है। तो ये एक काफी बड़ा फायदा यहाँ पर। और तीसरा फायदा है दोस्तों यहाँ पर ग्रैंड लीग का, क्योंकि इस बार माई इलेवन सर्कल ग्रैंड लीग में कैश प्राइस तो करोड़ों में दे ही रहा है, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ चमचमाती हुई ओडी कार भी दे रहा है। मतलब आप खुद सोचो कि कितना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। 1 करोड़ तो कैश प्राइस हो गई, और ओडी भी जो है 1.5 करोड़ की आ जाएगी, है ना। तो उसमें आपके लगभग ऐसे मान लो कि मिनिमम 2 करोड़ का तो होने वाला है मामला ग्रैंड लीग में। उसके अलावा दोस्तों मान लो अगर आप फर्स्ट भी नहीं आ पाते हो तो कोई बात नहीं यार, ओडी हटा दो 1 करोड़ रुपये तो आप फिर भी जीत रहे हो भाई। माई इलेवन सर्कल डेली बहुत लोगों को करोड़पति बना रहा है इस सीजन में, आपका भी चांस एक बार बन सकता है। फटाफट से जाके माई इलेवन सर्कल डाउनलोड कर लेना, इसकी डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ वेन्यू डिटेल्स की, तो यार वो भी आपकी स्क्रीन के सामने। एक्चुअली इस मैदान में श्री अटल बिहारी वाजपेयी मैदान में कोई ज्यादा मैच खेले नहीं गए, 6 मैच दोस्तों आज तक टोटल हुए यहाँ पर T20 इंटरनेशनल के, ठीक है। और T20 इंटरनेशनल की दोस्तों हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि T20 इंटरनेशनल है और वो भी थोड़ा सा टाइम हो गया यहाँ पर खेले हुए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों डोमेस्टिक क्रिकेट यानी कि आईपीएल के, तो यार आईपीएल के 2 मैच खेले गए, दोनों इसी सीजन में खेले गए। एक बार बैटिंग फर्स्ट ने जीता, एक बार बैटिंग सेकंड ने जीता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं यहाँ पर पिच का कितना फर्क पड़ता है। जो पहला मैच यहाँ पर खेला गया था वो खेला गया था रेड सोइल पिच पर, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने बना दिए थे 193 रन, है ना, हाई स्कोरिंग मैच था वो। और दूसरा जो मैच था वो खेला गया था ब्लैक सोइल पिच पर, जिसमें जो टीम है सनराइजर्स हैदराबाद ने लोवेस्ट स्कोर बना दिया 121 का। तो वो फर्क पड़ता है पिच का, है ना। रेड सोइल पिच है थोड़ा सा स्कोर आपको देखने को मिल सकता है, अगर ब्लैक सोइल पिच है मतलब कि हद जो है घटिया पिच है, जो है हद स्लो पिच है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों 2 ही मैच हुए हैं इसी सीजन में हुए, तो ज्यादा एक्चुअली रिकॉर्ड में घुसने की जरूरत नहीं है। बस ऐसा है कि रेड सोइल और ब्लैक सोइल पिच का आपको जरूर ध्यान रखना है, वो टॉस के बाद में आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा, ठीक है। बात करूं दोस्तों, अच्छा ये तो अपने गिव अवे विनर्स हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए गिव अवे है, माई इलेवन सर्कल से रिलेटेड गिव अवे, वो एक्चुअली आपको पता लगेगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं गिव अवे क्या है। एक्चुअली आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, दूसरा आपको इस वीडियो को कमेंट करना है। और दोस्तों मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं माई इलेवन सर्कल से रिलेटेड, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको बताना है कि यार इस मैच में हाईएस्ट पॉइंट किसके रहेंगे माई इलेवन सर्कल पे, मतलब कि माई इलेवन सर्कल एप्लीकेशन पे सबसे ज्यादा पॉइंट कौन सा खिलाड़ी देने वाला है इस मैच में, है ना, वो आपको जवाब देना है। और कितने पॉइंट देने वाला है वो भी आपको उधर लिखना है, ठीक है। पॉइंट अगर आपके आसपास भी होंगे तो भी आपको गिव अवे प्राइस दे दिया जाएगा, उसकी चिंता मत करो, है ना। लेकिन इस गिव अवे में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, पार्टिसिपेशन एकदम फ्री है और फ्री के पैसे आप जीत सकते हो, ठीक है। तो माई इलेवन सर्कल डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर लेना, और जिसको भी मतलब गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है वो आराम से पार्टिसिपेट कर ही सकते हो, है ना। बाकी बात करते हैं दोस्तों, देखो रिसेंट
इन परफॉर्मेंस एंड हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, तो यार वो भी आपके स्क्रीन के सामने। लखनऊ सुपर जायंट्स ने दोस्तों जो पिछले 5 मैच खेले हैं उनमें से 3 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं। इस सीजन में दोस्तों अभी तक इन्होंने टोटल 4 मैच खेले, ठीक है, 4 में से 3 मैच ये जीते हैं, सिर्फ 1 मैच चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट हारे थे और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस अभी कर रहे हैं। बेंगलुरु को भी हरा चुके हैं, हैदराबाद को भी हरा चुके हैं, दिल्ली को भी हरा चुके हैं, ठीक है। वहीं अगर दोस्तों मैं बात करूँ पंजाब की, तो यार पंजाब ने जो है इस सीजन में इन्होंने भी टोटल 4 मैच खेले हैं, स्टार्टिंग के 2 मैच ये जीत गए थे, फिर लास्ट के 2 मैच ये हार चुके हैं, गुजरात और सनराइजर्स ये हार चुके हैं, राजस्थान और कोलकाता को इन्होंने हरा दिया था। अब दोस्तों मेरी एक बात सुनो कि होम ग्राउंड है इधर लखनऊ का, और लखनऊ जो है अपने होम ग्राउंड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये बात ध्यान रखना, और इसीलिए इस मैच में जीतने के ज़्यादा चांसेस भी लखनऊ सुपर जायंट्स के रहने वाले हैं, ठीक है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ एक मैच जो इन दोनों टीम्स के बीच में खेला गया था 2022 में, आज तक इन दोनों टीम्स के बीच में एक ही मैच हुआ है, उस मैच में भी दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने बाजी मार ली थी, है ना। और उस मैच की अगर मैं बात करूँ टॉप परफॉर्मर्स की, तो क्विंटन डीकॉक ने 46 रनों की पारी खेली थी, दीपक हुड्डा ने 34 रनों की पारी खेली थी। दीपक हुड्डा दोस्तों इस सीजन में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, आपको पता है, ठीक है, लेकिन हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ पंजाब की तरफ से, तो कगिसो रबाडा ने उस मैच में 4 विकेट लिए थे, राहुल चाहर ने उस मैच में 2 विकेट लिए थे, ठीक है। बैटिंग सेक्शन की दोस्तों अगर मैं बात करूँ पंजाब की, तो जॉनी बेस्टो जो कि अवेलेबल नहीं है हटाओ, मयंक अग्रवाल जो कि इनकी टीम में ही नहीं है हटाओ, मोहसिन खान दोस्तों जो कि इंजर्ड है हटाओ, क्रुणाल पांड्या ने जरूर 2 विकेट लिए थे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं इस मैच के लिए। क्विंटन डीकॉक, दीपक हुड्डा, कगिसो रबाडा, राहुल चाहर, क्रुणाल पांड्या जो कि हेड टू हेड में अच्छी परफॉर्मेंस कर चुके हैं एक बार, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों वो बात, अब बात करते हैं हम पूरी स्क्वाड की, तो यार लखनऊ सुपर जायंट्स की जो पूरी स्क्वाड है वो आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है। मैं टीम न्यूज वगैरह की बात करता हूँ, डायरेक्ट एक काम करता हूँ, टीम न्यूज में दोस्तों कुछ ऐसी है कि आपको बताया कि ओपनिंग कौन कर रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से, केएल राहुल प्लस काइली मेट्स, है ना। लेकिन काइली मेट्स ने क्या है कि अभी तक जो 4 मैच हुए ना, स्टार्टिंग के 2 मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की थी, लास्ट के 2 मैच में उनकी परफॉर्मेंस काफी खराब आई है, और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि इस मैच में काइली मेट्स प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हो, क्योंकि क्विंटन डीकॉक बैठे हैं भाई, रेडी बैठे हैं, अवेलेबल बैठे हैं, तो क्विंटन डीकॉक आपको काइली मेट्स की जगह खेलते हुए नजर आ सकते हैं, कोई डिफरेंस भी नहीं है। काइल मेट्स भी लेफ्ट हैंड बैटर है, क्विंटन डीकॉक भी लेफ्ट हैंड बैटर है, क्विंटन डीकॉक भी काफी अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं, और काइल मेट्स ने रिसेंटली फॉर्म खो दी अपनी, ठीक है। तो इस मैच में अच्छे खासे चांसेस चाहिए आपको क्विंटन डीकॉक खेलते हुए दिख जाए। उसके अलावा दोस्तों मोहसिन खान का मैंने आपको बताया दिया कि इंजरी है, तो ये अभी अवेलेबल नहीं है। आवेश खान अच्छा पिछले मैच में आपको खेलते हुए दिखे गए थे, बाकी हाँ थोड़ी से दिख रहे थे, है ना, लेकिन फिर भी यार आवेश खान के यार पिछले मैच में पिटाई भी हुई थी अगर आपको याद हो, वो इसीलिए कि भाई इंजरी से वापस आ रहे थे और पूरी तरीके से सेटल नहीं हो पाए थे। बाकी देखते हैं यार इस मैच में क्या सीन रहता है इनका, है ना। और मार्कवुड भी जो है पिछले मैच में खेलते हुए दिख गए थे, उससे पिछले मैच में फ्लू के कारण आउट थे, लेकिन पिछले मैच में मार्कवुड ने भी आपको बताओ तो उतनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं की थी। आई थिंक 30 या 32 रन इन्होंने भी दिए थे, जो कि मार्कवुड जनरली देते नहीं, लेकिन आई थिंक अब टाइम मिल गया होगा तो दोनों आवेश खान और मार्कवुड अच्छी परफॉर्मेंस आपको करके दे सकते हैं, प्लस होम ग्राउंड है तो वो एडवांटेज और मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों और कोई रिपोर्ट अपने पास लखनऊ की टीम की तरफ से अभी तक आई नहीं है, लेकिन वही बात है यार, देखो जब तक टॉस नहीं हो जाता तब तक अपने पास नई नई अपडेट आती रहती है, और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी तो आपको बताएं, मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो एक बार वापस बोल रहा हूँ भाई, टेलीग्राम चैनल आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है, लापरवाही नहीं करना उस चीज़ में। टेलीग्राम चैनल की ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बात करूँ दोस्तों एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में, तो यार लखनऊ सुपर जायंट्स की जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है वो आपकी स्क्रीन के सामने है अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर, ठीक है, बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी दोस्तों बात करते हैं इन्हीं 11 खिलाड़ियों के सारे रिकॉर्ड के बारे में, तो यार वो भी आपकी स्क्रीन के सामने, मैं आपको फटाफट से इन्हीं 11 खिलाड़ियों की सारी जो कुंडली है वो बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों केएल राहुल का नाम आ जाता है, राइट हैंड बैटर है, इनके पास भी दोस्तों राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन है, अगर इसकी जगह काइल मेयर्स भी खेलते हैं तो भी वो लेफ्ट हैंड बैटर है, तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बना रहेगा, इसको दिक्कत नहीं है, ठीक है। केएल राहुल ने दोस्तों अपने करियर में आज तक टोटल 203 मैच खेले, जिनमें 6792 रन बनाए, 42 प्लस का बैटिंग एवरेज होल्ड करते हैं, लेकिन दोस्तों इस सीजन में कोई कमाल नहीं कर पाए। आप देखोगे 8 रनों की पारी, 20 रनों की पारी, 35 रनों की एक डिसेंट पारी जरूर आई थी, उसके बाद पिछले मैच में वापस कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाई। स्टार्ट दोस्तों इनको मिल रही है, अगर आप इनके पिछले 3 मैच देखोगे तो स्टार्ट इनको हर एक मैच में मिली है, बस बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों अब देखना, ये अगर सोचना चाहो तो ये सोच सकते हो कि होम कंडीशन है, होम कंडीशन में क्या पता केएल राहुल अच्छी परफॉर्मेंस कर दें, लेकिन वही बात है कि यार बंदा थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, तो अगर आप रिस्क लेके अपनी ग्रैंड लीग की टीम से ड्रॉप करना चाहो कर सकते हो, स्मॉल लीग की टीम में तो डेफिनेटली आपके लिए डिसेंट चॉइस रहने वाले हैं। क्विंटन डीकॉक दोस्तों ज्यादा बात ही नहीं करेंगे, इन्होंने दोस्तों रिसेंटली आईपीएल में तो मैच खेला नहीं है, लेकिन T20 इंटरनेशनल खेल के आ रहे थे कुछ टाइम पहले, जिनमें से एक मैच में इनका शतक आ चुका है, एक में 21 रनों की पारी आई थी, एक में डक पे भी आउट हो गए, है ना। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों क्विंटन डीकॉक एक काफी ताबड़तोड़ प्लेयर है, रेड सोइल पिच रहेगी, बैट्समैन को सपोर्ट रहेगा और क्विंटन डीकॉक अच्छी पारी खेल सकते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर भी ज्यादा डिस्कशन नहीं है, ये भी आपकी टीम के
लिए इंपॉर्टेंट पिक है। दीपक हुड्डा दोस्तों इस सीजन में क्लिक ही नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म बंदा चल रहे हैं, तो अपनी स्मॉल लीग की टीम में रखने का चांस ही नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड बताया कि पंजाब के अगेंस्ट ये पिछले सीजन में अच्छी परफॉर्मेंस कर चुके हैं, ठीक परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इस मैच में भी ज्यादा अच्छी तो नहीं बोलूंगा, तो अगर आप अपनी मिनी ग्रैंड लीग की टीम में रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी स्मॉल लीग की टीम में तो नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मार्कस स्टोइनिस पिछले मैच में ताबड़तोड़ पारी खेली थी, बोलिंग दोस्तों ये नहीं कर रहे हैं, पिछले अगर आप चार मैच देखोगे जो इस आईपीएल के सीजन में खेले हैं एक भी मैच में बॉलिंग नहीं किया, लेकिन पिछले मैच में 65 रनों की ताबड़तोड़ पारी इनके बल्ले से भी आई थी एंड 62 रनों की ताबड़तोड़ पारी निकलस पूरन के बल्ले से भी आई थी। एक्चुअली यार पूरन ने तो हर एक मैच में इंप्रेस किया है, देखो पिछले जो चार मैच निकलस पूरन ने खेले 36 रनों की, 32 रनों की, 11 नॉट आउट की और 62 रनों की, ठीक है, हर एक मैच में इन्होंने इंप्रेस किया है। हालांकि दोस्तों मैं आपको ये चीज जरूर बताऊंगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने निकलस पूरन के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया था ऑप्शन में, लेकिन ऐसा है कि यार वर्थ इट है क्योंकि इस बंदे ने मैच भी जितवाया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्रुणाल पांड्या की अगर मैं बात करूं तो यार इनका जो रिकॉर्ड है वो भी आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों, क्रुणाल पांड्या ने पिछले तीन चार अगर आप इनके मैच देखोगे तो सिर्फ एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस आई है, और अगर आपको याद हो तो इस मैच का जब मैं वीडियो लेके आया था तब भी मैंने आपको बोला था कि भाई क्रुणाल पांड्या ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, और मजे की बात यह है कि पिछला जो मैच था लखनऊ सुपर जायंट्स का उसका जब मैं वीडियो लेके आया था तब मैंने आपको बोला था कि भाई क्रुणाल पांड्या फ्लॉप भी हो सकते हैं, और इस मैच की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अगर आज वाला मैच होता मान लो कि ब्लैक सोइल पिच के ऊपर तब तो फिर मैं आपको डंके की चोट पर बोलता कि क्रुणाल पांड्या टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक है, लेकिन यार रेड सोइल पिच के ऊपर है इसलिए मैं एक बार के लिए कुछ कंफर्म बोलूंगा नहीं, है ना, बोलूंगा इसलिए नहीं क्योंकि एक बार फाइनल पिच रिपोर्ट अपने पास आ जाए ना तो फिर मैं आपको कंफर्म बोलूंगा कि भाई क्रुणाल पांड्या को रखना है कि नहीं रखना, तो एक बार फाइनल पिच रिपोर्ट का वेट करना। फिलहाल के लिए दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपके लिए सेफ चॉइस हो जाता है, अगर सेफ खेलना हो तो अपनी टीम में रख लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बडोनी की अगर मैं बात करूं तो बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा डाउन रहता है इसलिए अपनी टीम में नहीं रखूंगा। हालांकि दोस्तों पिछले चार में से तीन मैच जो ये खेले हैं उनमें से पिछले मैच में 30 रनों की पारी आई थी, उससे पहले भी 23 रनों की पारी आ चुकी है। ध्यान रखना दोस्तों पावर हिटिंग ये बंदा काफी अच्छे से कर रहा है ना, लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं जयदेव नाटगढ़ की तो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, इस सीजन में दोस्तों एक भी मैच में कोई कमाल नहीं कर पाए, तो हो सकता है इनको रिप्लेस भी कर दिया जाए किसी और बॉलर से, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। मारकूट दोस्तों अपनी टीम में 100% रखने ही वाले हैं अपन, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, हर एक मैच में इस बंदे ने विकेट निकाला है। आवेश खान की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि पिछले मैच में विकेट भी नहीं मिला था, साथ साथ दोस्तों पिछले मैच में इनकी ठुकाई भी हुई थी, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप देखोगे तो दो मैच में तीन विकेट निकाल हो चुके हैं। इस बार दोस्तों होम कंडीशन भी है तो क्या पता ठीक परफॉर्मेंस कर दें, लेकिन फिर भी यार हो सकता है मैं अपनी स्मॉल लीग टीम में प्रीफर नहीं करूं क्योंकि मेरे पास और भी अच्छे अच्छे चॉइसेस है अपनी टीम में रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रवि बिश्नोई की अगर मैं बात करूं तो पिछले चार मैच में 6 विकेट ये बंदा भी ले चुका है, पिछला मैच दोस्तों इनका भी विकेट लेस किया था, और उसके अलावा दोस्तों अमित मिश्रा जो कि इनके 12th मैन हो जाते हैं इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आ सकते हैं, दो मैच में दोस्तों इन्होंने बॉलिंग की है और तीन विकेट निकाल चुके हैं, काफी अच्छे लेग स्पिनर है। और दोस्तों एक्चुअली अमित मिश्रा जो है ना वो परेशान कर सकते हैं शिखर धवन को, एक्चुअली वो प्लेयर बैटल जो है वो मैंने लिखा भी है, मैं आपको बता दूंगा चिंता मत करो, ठीक है। पंजाब किंग्स की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो जो पूरी स्क्वाड है वो आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है। और अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टीम न्यूज के ऊपर ही आते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों लिविंगस्टन, इनके ऊपर न्यूज क्या आ रही है, देखो अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए, अवेलेबल है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग सेशन में थोड़ी सी जो है इन्होंने बदमाशी कर ली थी आई थिंक, है ना, तो कुछ मसल वगैरह पुल हो गई थी ऐसा बताया जा रहा है शिखर धवन के द्वारा। अब देखते हैं यार इस मैच में आई थिंक खेलने को नहीं मिलेगा, इनके कोच ने भी कहा है कि बड़ी लंबी इंजरी के बाद आ रहे हैं तो थोड़ा सा इनको मॉनिटर करेंगे, दो चार दिन इनको रेस्ट करने देंगे, उसके बाद नेक्स्ट मैच से हो सकता है इनको इंक्लूड करें प्लेइंग 11 में, इस मैच में इंक्लूड करने के चांसेस एक तरीके से बहुत कम है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों और कोई रिपोर्ट अपने पास पंजाब की टीम की तरफ से अभी तक आई नहीं है, और आएगी तो आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। ये रही दोस्तों पंजाब की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, और अब हम बात करते हैं इन्हीं 11 खिलाड़ियों के सारे रिकॉर्ड के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों अपने पास नाम आ जाता है शिखर धवन का, ठीक है। एक तो ये पीछे क्यों आ जाता है, हाँ शिखर धवन का, तो यार शिखर धवन भी लेफ्ट हैंड बैटर है और इनके जो पार्टनर है परब सिमरन सिंह वो एक राइट हैंड बैटर है, तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन तो इनके पास भी अवेलेबल है, लेकिन बात यह कि यार परब सिमरन सिंह पिछले दो मैच से बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, पिछले दो मैच में 0-0 रन पे आउट हुए हैं, उससे पहले दोस्तों इनके एक 50 जरूर आई थी, उससे पहले 23 रनों की भी पारी आई थी, स्टार्टिंग के दो मैच इनके अच्छे गए थे, लास्ट के दो मैच कुछ ज्यादा ही खराब गए हैं। और बात यह कि यार लखनऊ सुपर जायंट्स की बॉलिंग अच्छी है तो स्टार्टिंग में इनको दिक्कत कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों शिखर धवन को तो डेफिनेटली हम अपनी टीम में रखने वाले हैं क्योंकि इस साल के हाईएस्ट रन स्कोरर भी हैं, पिछले मैच में दोस्तों फ्लॉप हुए थे उससे पहले रेगुलरली अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने की है। हालांकि दोस्तों शिखर धवन को इस मैच में कौन परेशान कर सकता है यह बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और आगे प्लेयर बैटल के टाइम अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन फिर भी यार अपनी स्मॉल लीग की टीम के लिए अच्छे पिक रहने वाले। उसके बाद दोस्तों मैथ्यू शॉट की अगर मैं बात करूं, एक ऑलराउंडर है, पिछले दो मैच से खेल रहे हैं, पहले मैच में ओनली एक रन बनाया था, दूसरे मैच में 36 रनों की पारी जरूर खेली थी और बॉलिंग में भी एक ओवर इनको मिला था जिनमें विकेट ये ऑफकोर्स नहीं निकाल पाए थे। मैथ्यू शॉट को दोस्तों रेगुलरली बॉलिंग नहीं मिलती है, मिलेगी भी तो मैक्सिमम एक ओवर,
ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो 69 मैच में ओनली 22 विकेट इनको मिले हैं, यानी कि रेगुलरली बॉलिंग करते भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों भानुका राजपक्षा की अगर मैं बात करूँ तो लेफ्ट हैंड बैटर है। इनका जो रिकॉर्ड आप देख सकते हो आईपीएल के पहले मैच में 50 आई थी, उसके बाद दोस्तों इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद वाला मैच खेला नहीं था। पिछले मैच में 20 रनों की एक स्टार्ट मिली थी, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जितेश शर्मा की अगर मैं बात करूँ तो ये इनके एक तरीके से पावर हिटर हैं, लेकिन दोस्तों पिछले मैच में पावर हिटिंग नहीं की। आप अगर एक चीज़ नोटिस करोगे तो 20 से 30 के बीच में ये पारियां खेल रहे हैं, है ना, और डिसेंट पॉइंट आपको दे रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं अपनी स्मॉली की टीम में कंसिडर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी तक दोस्तों इनकी बैटिंग आती थी नंबर 4 पर, अब इनकी बैटिंग ऑर्डर हो गया थोड़ा सा डाउन नंबर 5 पर, और वैसा देखा जाए तो मेरे पास और भी अच्छे अच्छे चॉइस है अपनी टीम में उठाने के लिए। ठीक है, शाहरुख खान की दोस्तों अगर मैं बात करूँ पिछले मैच में भाई यार 22 रनों की पारी खेली थी, लेकिन ये पारी आ गई थी 9 या 10 बॉल में ही। ध्यान रखना काफ़ी अच्छी पावर हिटिंग कर सकते हैं अगर शाहरुख खान का बल्ला चला, लेकिन फिर भी अपनी स्मॉली की टीम में तो नहीं रखूंगा ना, क्योंकि अपने को पॉइंट से मतलब है, चाहे 16 रन 2 बॉल में बना दे उससे मतलब थोड़ी ही अपने को, है ना। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ सैम करन की तो यार इनका जो रिकॉर्ड है वो भी आपके स्क्रीन के सामने है। इन्होंने दोस्तों रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंस किया है, कोई दिक्कत नहीं है बैटिंग और बॉलिंग दोनों के साथ, है ना। बैटिंग से तो मतलब 20-25 के समथिंग के पारियां खेल रहे हैं, और बॉलिंग से ऐसा है कि पिछले 4 मैच में ओनली 2 विकेट आए हैं, लेकिन फिर भी यार दोस्तों अच्छे प्लेयर हो जाते हैं क्योंकि बैटिंग भी करेंगे बॉलिंग भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हरप्रीत बराड़ पिछले मैच में खाता खुला, पिछले 4 मैच में ओनली 1 विकेट आए हैं। उसके बाद दोस्तों कगिसो रबाडा पिछले मैच में खेले थे नाथन एलिस की जगह, थोड़े से एक्सपेंसिव थे लेकिन ऐसा है कि 1 विकेट इन्होंने निकाल लिया था। और दोस्तों कगिसो रबाडा आपके लिए इस मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, प्लेयर बैटल के टाइम पे ध्यान रखना, ये काफी प्लेयर्स को परेशान कर सकता है। ठीक है, राहुल चाहर दोस्तों एक काफी अच्छे लेग स्पिनर हैं, लेकिन पिछले 4 मैच में ओनली 2 विकेट आए हैं, थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म ये चल रहे हैं। अर्षदीप सिंह दोस्तों डेफिनेटली आपके टीम के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले, एक भी मैच अभी तक ऐसा नहीं किया जिसमें ये विकेटलेस गए हों। पिछले 4 मैच में टोटल 7 विकेट ऑलरेडी अपनी टीम के नाम कर चुके हैं, है ना, और ध्यान रखना इस मैच में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। और उसके बाद दोस्तों ऋषि धवन जो कि इनके 12th मैन हो जाते हैं, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आ सकते हैं, एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं दोस्तों, 117 मैच खेले हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से सहारा दे सकते हैं। लेकिन एक बात है कि 4 में से 3 मैच में इनको खेलने का मौका जरूर मिला है, लेकिन 3 में से 2 मैच में इनको नहीं तो बैटिंग मिली नहीं बॉलिंग मिली, तो मतलब ज्यादा इंपैक्ट ये डाल नहीं रहे। ठीक है, तो ये बात हो जाती है दोस्तों पंजाब किंग्स की। अब दोस्तों देखो यार दोनों टीम के जितने भी प्लेयर थे उनके जितने भी रिकॉर्ड थे वो सब तो अपन ने देख लिए, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल्स के बारे में। और ये जो भी प्लेयर बैटल दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ ज्यादा नहीं है, 4-5 ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तो पूरा ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों शिखर धवन में आपको बता रहा था अमित मिश्रा इनको परेशान कर सकते हैं, कितना परेशान कर सकते हैं वो भी आप देख सकते हो। अमित मिश्रा ने दोस्तों शिखर धवन को ओनली 32 बॉल खिलाई है जिनमें इन्होंने ओनली 39 रन बनाए और अपना 3 बार विकेट दे चुके हैं ओनली 32 बॉल्स में। तो ध्यान रखना अमित मिश्रा इनको परेशान कर सकते हैं। बस एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अमित मिश्रा स्टार्टिंग में ही बॉलिंग नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं है कि पहला ओवर जो अमित मिश्रा ही डाल रहे हैं। ठीक है, तो उनमें क्या है कि शिखर धवन थोड़े से रन बना सकते हैं, बाद में मिडिल में अगर सेट हो गए तो फिर शिखर धवन आराम आराम से अमित मिश्रा के ओवर निकाल भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो निकलस पूरन का ऑप्शन आता है जो कि कगिसो रबाडा के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। अब मैं बात कर रहा था दोस्तों कगिसो रबाडा जो कि परेशान कर सकते हैं केएल राहुल को भी। अब बात यह कि दोस्तों निकलस पूरन तो अच्छे फॉर्म में है ना, तो निकलस पूरन के ऊपर तो अपन ज्यादा नोटिस कर नहीं सकते, 31 बॉल में 39 रन बनाए कगिसो रबाडा के अगेंस्ट और 2 बार अपना विकेट भी दिया। लेकिन चलो ठीक है यार, निकलस पूरन अभी अच्छी फॉर्म में है तो ये प्लेयर बैटल हो सकता है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे इस मैच में। लेकिन बात यह कि यार केएल राहुल तो उतनी ज्यादा फॉर्म में भी नहीं है, है ना, और 47 बॉल में कगिसो रबाडा के अगेंस्ट ओनली 44 रन बनाए हैं, 100 से भी नीचे की स्ट्राइक रेट हो जाती है और 2 बार अपना विकेट भी दे चुके हैं। कगिसो रबाडा पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, केएल राहुल पावर प्ले में बैटिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं चांस है कि केएल राहुल का विकेट कगिसो रबाडा स्टार्टिंग में निकाल लें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों निकलस पूरन को जो है नाथन एलिस भी परेशान करते हैं, लेकिन बात यह है कि कगिसो रबाडा या नाथन एलिस में से कोई एक खेलेगा, है ना, ज्यादा चांसेस कगिसो रबाडा के हैं। बस ये देख लें कि 2 दिन पहले ही इनका मैच हुआ था, कगिसो रबाडा को रेस्ट दे दें तो वो बात अलग है। बाकी नाथन एलिस ने भी दोस्तों इनका 2 बार विकेट ले रखा है। एंड देन दोस्तों क्विंटन डिकॉक आ जाते हैं, अर्षदीप सिंह के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए देखे गए, 27 बॉल में 27 रन बनाए हैं और 2 बार अपना विकेट दे चुके हैं। अब दोस्तों एक चीज अगर आप यहां पर नोटिस कर सको तो वो एक बार नोटिस करना कि क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल दोनों ओपनिंग करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद कगिसो रबाडा और अर्षदीप सिंह पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, ठीक है। तो क्या ये दोनों लखनऊ सुपर जायंट्स की ओपनिंग पेयर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? प्लेयर बैटल के अकॉर्डिंग तो कर सकते हैं कि कगिसो रबाडा केएल राहुल को संभाल लें, अर्षदीप सिंह क्विंटन डिकॉक को संभाल लें। दोनों अगर जल्दी आउट हो जाते तो भाई लखनऊ सुपर जायंट्स के बाद फिर बीच में मतलब निकलस पूरन वगैरह हैं लेकिन उतना ज्यादा हाई टारगेट पोस्ट कर पाएंगे, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ग्रैंड लीग की टिप है, ग्रैंड लीग में अगर आप केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक दोनों को एक टीम से ड्रॉप करके
जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन ऐसा रिस्क आपको सिर्फ ग्रैंड लीग में लेना है, स्मॉल लीग की टीम में नहीं लेना है, ठीक है। अब दोस्तों देखो यार, अभी तक इस वीडियो में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो देख ही चुके हैं। अब जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, एक डेमो टीम में आपको इस मैच की दिखाने वाला हूं, लेकिन यार वही बात है, ये जो भी टीम मैं आपको दिखाऊंगा रहेगी डेमो टीम, फाइनल टीम मत समझ लेना। एक बार वापस रिमाइंड करवा रहा हूं, फाइनल टीम अपनी टॉस होने के बाद बनेगी, जो कि आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अपना वीडियो 2-3 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन खोल लेना है या फिर कमेंट बॉक्स खोल लेना, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करना और आप भी लाखों लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे। बाकी दोस्तों बात करो अगर मैं डेमो टीम की, तो वो यार वो आपकी स्क्रीन के सामने, इसमें देख लो मैंने कौन कौन से प्लेयर रखे हैं और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। विकेट कीपिंग सेक्शन से दोस्तों मैंने निकलस पूरन को रखा है और क्विंटन डिकॉक को रखा है। बैटिंग सेक्शन से दोस्तों मैंने शिखर धवन को रखा है, केएल राहुल को रखा है, भानुका राज्यपक्ष को रखा है, ठीक है। अगर आप चाहो भानुका को ड्रॉप कर सकते हो, और अगर आप चाहो रिस्क लेना तो फिर केएल राहुल को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। हालांकि दोस्तों शिखर धवन को भी अमित मिश्रा के अगेंस्ट खतरा है, लेकिन यार अमित मिश्रा पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे नहीं, तो मतलब ऐसा ज्यादा खतरा नहीं रहेगा, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों सेम करन उठाए, कृणाल पांड्या उठाए, मार्कस टोनिस उठाए। कृणाल पांड्या को मैं ड्रॉप कर सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन दी पिच रिपोर्ट, ठीक है। तो फाइनल पिच रिपोर्ट का आपको वेट करना है। बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों मार्कवुड उठाया मैंने, अर्शदीप सिंह उठाए, ककिशोर अबाड़ा उठाया। इन 11 प्लेयर्स में दोस्तों अगर आप खुद की तरफ से कोई चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो। पोटेंशियल प्लेयर्स की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये है कि मतलब इन चारों में पोटेंशियल है, इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो इन चारों में से किसी को भी अगर आप इस टीम में इंक्लूड करना चाहो कर सकते हो। मैथ्यू सोड आ जाते हैं, दीपक हुड्डा आ जाते हैं, आवेश खान आ जाते हैं, रवि बिश्नोई आ जाते हैं। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से इन 11 प्लेयर में जो भी चेंजेस होंगे, इस टीम में जो भी चेंजेस होंगे, वो तो खैर मैं आपको टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर बताई दूंगा, तो उसकी तो चिंता है ही नहीं, ठीक है। बात करते हैं देखो कैप्टन और वाइस कैप्टन के इन्हीं 11 प्लेयर में, लेकिन उससे पहले देखो यार अपना जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। तो आप में से जिस भी भाई ने यार अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो यार जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और जिस भी भाई ने यार अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यार चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट करवा सकता है ये चैनल, वो भी एकदम फ्री में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। खैर दोस्तों बात करें अगर अपन कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो यार यहां पर एक्चुअली अगर आप सेफ पिक दे रहे हो तो शिखर धवन आपके लिए ठीक चॉइस हो जाते हैं। हो सकता है क्विंटन डिकॉक अगर खेले तो इनको भी हम सीवीसी के लिए कंसिडर कर लें, ठीक है। हालांकि दोस्तों क्विंटन डिकॉक को खतरा किससे रहता है ये बात मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। और बाकी पिच रिपोर्ट के हिसाब से भी अपन देखेंगे कि इनको बनाना है कि नहीं बनाना सीवीसी। और उसके अलावा तो यार देखो मार्कवुड के साथ जा सकते हो, वैसे तो मार्कवुड एक अच्छे बॉलर है, रेगुलरली विकेट ले रहे हैं, 2-3 विकेट निकाल सकते हैं इस मैच में, अच्छे खासे चांस है ना। और तो यार देखो मेरे को ऐसा कुछ खास प्लेयर दिख नहीं रहा। निकलस पूरन के साथ जाने की कोशिश करेंगे बहुत सारे लोग, लेकिन बात ये कि यार उनका बैटिंग ऑर्डर कुछ ज़्यादा ही डाउन रहता है और हर एक मैच में उतनी ताबड़तोड़ पारी खेल पाना पॉसिबल नहीं है, है ना। इसलिए एक बार के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी दोस्तों यार कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेज में भी कोई चेंजेस होंगे, कोई अपडेट होंगे, तो वो भी मैं आपके साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। माई 11 सर्कल दोस्तों आप जरूर डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लेना, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन गिव अवे पूछ लिया है, ठीक है। और ठीक है यार इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।